21 सितंबर से नवरात्रि शुरू हो रही है। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। भक्त 9 दिनों तक माँ दुर्गा का उपवास कर पूजा करते हैं। नवरात्रि से पहले कई लोग घर में कलश स्थापित करते हैं, लेकिन इन 9 दिनों में भक्तों को कुछ नियमों का पालन करना होता है। अगर किसी ने व्रत किया है तो कुछ काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो माँ दुर्गा के क्रोध का भागी बनना पड़ता है। नवरात्रि में व्रत रखने वालों को 9 दिनों तक दाढ़ी मूछ, नाखून और बाल नहीं काटने चाहिए। जो लोग नवरात्रि के दिनों में कलश स्थापित करते हैं और अखंड दीप जलाते हैं, उन्हें 9 दिनों तक घर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक घर में सादा भोजन बनाना चाहिए। इस दौरान लहसुन, प्याज और नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वालों को बेल्ट, चप्पल या जूते, किसी भी चमड़े से बनी चीज़ को नहीं पहनना चाहिए। खाने में अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए और नमक का भूल कर भी उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर घर में 3 शक्तियों की पूजा एक साथ होती है तो उसे भी नहीं करनी चाहिए। व्रत के दौरान शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, ऐसा करने पर व्रत का फल नहीं मिलता है। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान 7 दिनों तक पूजन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में काले रंग के वस्त्र पहनने से परहेज करना चाहिए। व्रत रखने वाले को 9 दिनों तक दिन में सोना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अपशगुन माना जाता है। नवरात्रि में रात में पूजन करना चाहिए। भारतीय परंपरा में ध्यान, पूजा और आध्यात्मिक चिंतन के लिए शांत वातावरण जरूरी माना गया है। रात में शांति रहती है और प्राकृतिक और भौतिक दोनों प्रकार के बहुत सारे अवरोध शांत हो जाते हैं। ऐसे वातावरण माँ दुर्गा की पूजा और मंत्र करने से विशेष लाभ होता है और भक्तों की मनोकामना भी पूरी होती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। जय माता दी।